ये ब्रिज इस तरह से करवटे ले रहा है जैसे आयरन और कंक्रीट से नहीं बल्कि रबर से बनाया गया हो। ये टकोमा नेरो ब्रिज है। इस ब्रिज को 1 जुलाई 1940 के दिन आम लोगों के लिए खोल दिया गया था। इंजीनियर्स को पहले ही पता चल चुका था ये ब्रिज तेज हवा चलने पर हिलने लगती है, जैसे तैसे ये ब्रिज 4 महीने तक ही टिक सका। 7 नवंबर 1940 की सुबह ये ब्रिज काफी देर तक हिलने के बाद टूट के समुद्र में डूब गया। ब्रिज टूटने के समय कोई भी वहां पर नहीं था सिवाय टॉबी नाम के कुत्ते के, जो इतना डर गया था कि वह कार से बाहर नहीं निकला और वे भी इस ब्रिज के साथ समुद्र में दफन हो गया। इस ब्रिज के फेलियर ने इंजीनियर्स को सदमे में पहुंचा दिया। इस ब्रिज के टूटने का कारण 68 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही तेज हवाएं थी, जिसे इंजीनियर्स ने ब्रिज को बनाते समय इग्नोर कर दिया था। इंजीनियर्स ने अपनी गलतियों से सीखकर और उन्हें सुधारकर इस सस्पेंशन ब्रिज को दोबारा बनाया और इसे 14 अक्टूबर 1950 के दिन आम लोगों के लिए फिर से खोल दिया गया और ये आज भी सही सलामत है।